एक्सटेंशन हॉर्न के लिए हमें स्टाइन्स करके एक जगह, STANS आप स्पेलिंग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, स्टाइन्स करके एक स्टेशन है, वहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ से हमें एक्सटेंशन हॉर्न के लिए कैब्रियो केबल मतलब कैब्रियो गंडोला मिलेगा। तो और यहाँ पे किसी को इंग्लिश भी नहीं, और यहाँ पे हाँ हमें इंटरलेकन के कंपेरिजन में यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि कम्युनिकेशन कोई कर ही नहीं रहा है इंग्लिश में। एक दो जगह हमने अभी रेस्टोरेंट में भी बात करी, कुछ खाने के हिसाब से पूछा तो उनको समझ ही नहीं आ रही, मैं गूगल पे ट्रांसलेट कर करके उनको बता रहा था, ऐसी हालत है। तो देखते हैं, इंटरलेकन की यादें अभी तक जुड़ी हुई है तो हम तो हर चीज़ इंटरलेकन से ही कंपेयर करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे आगे ट्रेन आती है, हम अकेले हैं पूरे स्टेशन पे। ये स्टेशन देखिए, ना इधर कोई, ना सामने कोई, ना इस तरफ कोई, सिर्फ मैं और आरती बैठे हुए हैं इस स्टेशन पे। ये अभी कहीं से निकले अंकल जी पाताल लोक से, तो बिल्कुल सुनसान है। तो चलो ट्रेन का वेट करते हैं, आते ही बैठेंगे। स्टेंशन हॉर्न के बेस स्टेशन पहुंचने वाले हम, स्टैंड करके एक है ना यहाँ पे जो स्टेशन है वहाँ से हम उतरे, फिर वहीं पे स्टेशन पे हमने बर्गर खाया, बहुत भूख लगी थी हम दोनों को, तो हमने एक ही लिया। पहले हमने सोचा कि चलो टेस्ट हम पता करके देखते हैं, अगर अच्छा हुआ टेस्ट तो हम दो लेंगे, पर एक ही उसने यार भी कितना बड़ा बनाया, 8.5 फ्रेंक्स का था। अब यहाँ पे है ना 5,500 रुपए वाली बात नहीं चलती है, इधर सिर्फ 500-600 ऐसा ही होता है। तो अब हम पैदल मुश्किल से 5-6 मिनट्स का वॉक है, और स्टेंशन हॉर्न जहाँ पे हमें टिकट लेनी है, क्योंकि आपको एक बात बता दूँ, स्टेंशन हॉर्न स्विस पास वालों के लिए फ्री है। हमने इसलिए चूज़ करा स्टेंशन हॉर्न क्योंकि जो फ्री है, आपने स्विस पास के इतने पैसे दिए तो उसके अंदर में जो फ्री आ रहा है माउंटेन एक्सकर्शन वो तो करना पड़ेगा ना। तो बस अब हम पहुँचते हैं हमारे स्टेंशन हॉर्न बेस स्टेशन पे, और वहाँ से हम जाएंगे। तो पहले इसमें क्या है, एक ट्रेन है आरती जो यहाँ पर कहीं है, पहले हमें ट्रेन से ऊपर जाना है और फिर हमें कैब्रियो केबल, एक राउंड केबल होगी जो बिल्कुल खुली है, उससे हमें जाना है। तो ये है वो जगह, तो आइए चलते हैं। सो व्यूअर्स, हम लोग अभी यहाँ से आए हैं, स्विस पास था तो फ्री एंट्री है, और देखिए वो ट्रेन आ गई जिससे हम ऊपर एक स्टेशन पे जाएंगे और वहाँ से हम एक केबल लेंगे। स्टेंशन हॉर्न हम क्यों आए आरती, स्टेंशन हॉर्न आरती हमें पता है कि हम इस जिस ऊपर अभी जाएंगे इस ट्रेन से, तो ऊपर जो गोंडोला है वो पूरा ओपन है, ऐसे पूरा पैक नहीं है, उस पूरा ओपन आप अभी देखते जाइए। और ये क्या आए हैं, तो हम भी अभी इसमें बैठते हैं। तो आरती बैठने जा रही है, क्या मज़ा ले रहे हैं। मैं और आरती कहाँ खड़े हैं आप ये देखिए, हम खुद है ना इंजन सीट सारी पीछे है, ये ट्रेन पीछे की तरफ है बैठने की, पर हम ये सर के साथ आए हैं, हमारा बैग ये, और ये देखिए ट्रेन। तो आरती, स्टेंशन हॉर्न का सिलेक्शन सही रहा, अभी देखिए हम कैसे ऊपर चढ़ान चढ़ रहे हैं, और वो देखिए वो ट्रॉली वहाँ पे है, वो ऊपर जाएगी, तो हमें तो अच्छा लग रहा है इधर सबसे आगे खड़ा रह के। और व्यूअर्स, जब स्विस पास के साथ फ्री है तो करना ही चाहिए आपको ये। और एक और बात ये है कि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को स्टेंशन हॉर्न रात को 11 बजे तक चालू रहता है, तो आप आराम से है ना क्या रात की 11 बजे तक यहाँ का प्लान बना सकते हैं। नॉर्मल दिनों में ये 5:15 बजे तक बंद हो जाता है, मतलब आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो 3 days, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आज थर्सडे, तो हम लक्की हैं। आरती मस्त मजा आ रहा है, एक्सपीरियंस कहाँ मिलेगा, हाँ कि मतलब ट्रेन के आगे खड़े होके हम लोग मजे ले रहे जीवन के, और पीछे की तरफ देखो आप लोग बैठे हुए, ये छोटी सी ट्रेन देखिए, ये देखिए सामने से भी एक है ना ट्रेन उतर रही है, और हम लोग इधर से ऊपर जा रहे हैं, तो देखिए अभी कैसे ट्रैक चेंज होगा। और ये पूरा ग्रासलैंड से एकदम जबरदस्त, ये देखिए ऐसे होती है ट्रेन, तो कितना मजा आ रहा है यार, ये तो टॉय ट्रेन जैसा लग रहा है एकदम, ठंडी ठंडी हवा, टॉय ट्रेन का मजा,
मेरे को कितने टाइम से ऐसा था कि टॉय ट्रेन करना है यार, थे नहीं होता टॉय ट्रेन लेके घूमने वाला सीन, वैसा ही है पूरा टॉय ट्रेन है, सही में मजा आ रहा है एकदम। तो हम अभी ये ट्रेन से आगे जाएंगे और वहां से हमें केबल मिलेगी वो स्पेशल वाली जिसका नाम है कैब्रियो केबल, तो वो आपको आगे और बताएंगे, बहुत अच्छा है। आप ये एक्सटेंशन ऑन ही करिए क्योंकि आपको बताओ लूसन में रिकी, टिटलिस, पिलाटस और एक्सटेंशन ऑन चार ऐसे हैं। टिटलिस सब लोग करते हैं तो आप करिए, बाकी अगर आप ज़्यादा दिन रुक रहे हैं तो रिकी ट्राई कर सकते हैं, माउंट रिकी वो फ्री है स्विस पास के साथ। पिलाटस भी आप कर सकते हैं पर पिलाटस में आपको पिलाटस और टिटलिस में पैसा देना पड़ेगा स्विस फ्रैंक के साथ 50%। रिकी और एक्सटेंशन ऑन कम्प्लीटली फ्री है, तो हम एक्सटेंशन ऑन आज है ना फ्री वाला कर रहे हैं क्योंकि हमने सोचा कि स्विस पास का कुछ फ़ायदा होता है, और कल जाएंगे हम माउंट टिटलिस तो आपको आगे दिखा देना। तो जैसे अब ये ट्रेन पहुंचेगी फिर आपको और आगे बताते। तो ये देखिए हम अभी किस में खड़े, ये देखिए ये है ट्रॉली, हम आए इन सीढ़ियों से ऊपर। ये ट्रॉली इतनी बड़ी है कि यहाँ पे नीचे भी बैठने के लिए है, और हम लोग अभी इस ओपन ट्रॉली में ऊपर जाएंगे। आप देखिए ऊंचाई, तो मज़ा आने वाला। एक्सटेंशन ऑन रेडी, और सबसे अच्छी बात आरती कोई नहीं है, मजे मारो एकदम, कोई भीड़ नहीं। जगह पे कितनी सारी काली कितनी थी, वो ग्रिंडेलवाल्ड, ये ग्रिंडेलवाल्ड, और ये जो ये चीज है ना जैसे जूनफ्रो और टिटलिस में भीड़ तो होगी मेरे को पक्का पता है। तो ये क्या इंडियंस लोगों को यही चीजें पता है, ये ऐसी ऐसी हाँ, एक भी इंडियन हमें नहीं दिखा है अभी तक, हम जब से लूसन से इधर हमारी होटल पे आए हों या कुछ भी और चालू हो गए। आपको व्यू दिखाता हूँ, मैंने मेरा बैग वहाँ पे रख दिया और ये अब ऊपर जा रही है, और ये पूरी ओपन ट्रॉली है। आपको अभी व्यू दिखाएंगे हम जैसे जैसे हाइट अटेंड करेगी ना, अभी देखना हाइट अटेंड करेगी जब ऊपर फिर आपको व्यू दिखाते हैं। तो हम लोग ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, पीछे की तरफ आप देखिए, और क्यों ये व्यू खतरनाक है वो आपको हम बता दें। पूरी ओपन ट्रॉली है ये, पूरी ओपन, ऊपर कुछ नहीं है हमारे, खुला आसमान, और देखिए अब देखा ये व्यू, देखो मेरे और आरती के अलावा सिर्फ एक पैसेंजर यहाँ पे ऊपर आया हुआ है, और क्या जबरदस्त, चारों तरफ ओपन, इसे कहते हैं ट्रॉली। तो ये है एक्सटेंशन ऑन, और वो जो सामने आपको लेक दिख रही है ये लेक लूसन है, सॉरी ये लेक लूसन नहीं है, ये लेक लूसन है। वाह क्या व्यू दिख रहे हैं आरती। तो ये देखिए आरती खड़ी है इधर, आरती कैसा लग रहा है यार, कितना ऊपर जाएंगे हम लोग, कितना कितनी ऊंचा यार, अरे पेट में हिच बोले, अरे व्यूअर से देखिए आप बहुत ऊंचा है। चलो ऊपर मिलते हैं आपसे, अभी पहुंच के ऊपर से व्यू दिखाते हैं, अभी ठंडा होता जा रहा है धीरे धीरे। तो हम अभी इस केबल से बाहर आए, देखो ये बंद हो रहा है, और हम कितनी ऊंचाई पे आए ये देखिए आप, ओ बाप रे। तो ये देखिए आप, अब हम चलते हैं कहीं आगे और दिखाते हैं आपको एक्सटेंशन ऑन। और यहाँ पे कम लोग हैं पर हैं लोग, हमें लग रहा था कि कोई नहीं है, पर अच्छी बात ये कि हम अभी जब आ रहे हैं तब कोई नहीं आ रहा है, और अभी लोग जाने वाले बहुत हैं। ये यहाँ पे रेस्टोरेंट है बहुत बड़ा, और आपको व्यूज दिखाते हैं हम लोग। ये देखिए आप, ये होता है ना व्यू, तो ये देखिए कि प्लेटफॉर्म है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्लेटफॉर्म पे नीचे कुछ नहीं है, पर इस पे पाँव रखोगे ना तो आपको ठंड लगने लग जाएगी क्योंकि नीचे से ठंड आती है। और अब आप देखिए, वाह आरती ये तो सही में क्लिफ वॉक है, वो देखिए वहाँ पे कोई बैठा है, आरती वहाँ चलेंगे अपन, वहाँ पे भी जाएंगे बैठने यार, वो बेंच कितनी अच्छी है, और ये कितना बड़ा है आप देखिए, और वहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हैं आरती देखो,
वहां पे भी कुछ लोग बैठे हैं, जा रहे हैं नीचे वहां बैठने के लिए। देखो आरती क्या फोटो आएंगी वहां से। जो माउंट टिटलिस है वो इस तरफ है व्यूअर्स, इन्हीं में से किसी में माउंट टिटलिस है, मुझे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तो यही पता है। आरती यहाँ से हम है ना चाहे तो ट्रैक भी कर सकते हैं थोड़ा सा। इट्स वेरी नाइस। एक मैप है तो इसमें अगर आप हम ऐसे स्ट्रेट खड़े रहोगे तो सारे माउंटेन जो भी हैं ये सारे इधर सामने की तरफ है यहाँ पर। तो मैं ऐसे ही देख रहा था, मेरा अंदाजा सही गया, ये है टिटलिस और टिटलिस ये रहा, ये देखिए आप टिटलिस और वो। सांस फूल गई मेरी तो इतने से। हम नीचे से आ रहे हैं और ये देखिए मैडम आरती जी कहाँ बैठी हैं। अभी हमें बहुत, हम सोच रहे हैं वहां तक जाएं पर इतनी ऊंचाई पे ट्रैक करने का भाई एक्सपीरियंस होना चाहिए सही में। क्यों आरती क्या व्यू आ रहा है यार। आरती तुम बोल रही थी टिटलिस पे बर्फ नहीं, कितनी बर्फ है टिटलिस। बहुत ऊंचाई पे हम लोग, हम थोड़ा ट्रैक करके अभी आ गए हैं पर हमें उस पॉइंट पे पहुंचना है जो कि बहुत खतरनाक है। पहुंचने के लिए चढ़ाई बहुत है, देखते हैं ट्राई करते हैं हम भी। बहुत जबरदस्त लग रहा है व्यू, इतनी ऊंचाई से देखना। ये पूरा का पूरा जो है ये लूसन शहर है यहाँ पर। ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे आप देखें, एक चीज देखें, यहाँ पे पूरा प्लेन्स है। आप इस तरफ ज़ूरिक की तरफ जाओगे तो पूरा प्लेन्स, और जैसे जैसे इधर आओगे तो ये एल्प्स माउंटेन शुरू हो जाते हैं जो कि पूरे इंटरलेकन से होते हुए आगे तक जाते हैं। लोग फाइनली उस हाइट पे पहुंच चुके हैं जो मैं अभी आपको बता रहा था। यहाँ पे नीचे थे हम और मेरे पास कम से कम 6-7 किलो का वजन का बैग है जो मैं लेके आया। तो आप देखिए अभी हम कहाँ पर हैं, ट्रैक करके आए हैं। और ये ऊंचाई देखिए आप, ये सारे स्विस एल्प माउंटेन्स, ये देखिए लोग यहाँ पे अलग अलग तरह की ट्रैकिंग करने आ रहे हैं। ये आरती खड़ी है यहाँ पे, मेरी सांस फूल गई क्योंकि एक तो इतना बड़ा, ये देखिए ये सामने जो बैग पड़ा है ये प्लस 2,500 मीटर की ऊंचाई पे, सांस तो फूलती है। और यहाँ पे ठंडा नहीं है इतना, क्यों आरती? ये देखिए अब आप व्यू, इस स्टेंसन होन के टॉप पे पहुंचने के बाद का व्यू देखिए। मेरी तो सांस फूल गई आरती इतना ट्रैक करना। पर आरती तुम्हें लगता है मेरा वजन कम तो हुआ होगा 5-6 दिन में, इतना मैं कभी नहीं चल रहा हूँ एक साथ। ये है लेक लूसन, ये लेक मुझे पता नहीं कौन सी है, और माउंट रिगी भी यहीं पर कहीं है। और ये आप मैप देख रहे हैं तो ये रिगी है। तो अच्छा ये रिगी है आरती, ये वाला पता नहीं। और टिटलिस कहाँ है इस पर? अच्छा इसमें टिटलिस नहीं दिया है क्योंकि टिटलिस वो है वो सामने। और यहाँ से पैराग्लाइडिंग भी होती है, यहाँ से अभी हमारे सामने उड़ के गए, ये देखिए ऊपर उड़ रहे हैं वो। ये यहाँ अच्छी बात ये है कि ठंडी हवा नहीं है तो स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं है। और धूप बहुत कड़क है क्योंकि दोपहर के 4:15 बज रहे हैं। और आरती ये खड़ी है, ये है पिलाटस
और मेरे सामने दिख रहा है ये पिलाटस। तो ये है पिलाटस माउंट, ये है माउंट रिगी और ये है माउंट टिटलिस। तो स्टेंसन हॉर्न से तीनों दिखते हैं। तो ये देखिए आरतियाँ बैठी हुई है और हम लोग अभी ऊपर से ट्रैक करके आ चुके हैं यहाँ तक नीचे। और आरती बोल रही मेरी फोटो खींचो, देखो ये बेंच के पीछे से कैसा लुक आएगा। तो हमने कर दिया बाय बाय स्टेंसन हॉर्न को। करीब एक घंटे में और आरती यहाँ पे रुके, हमने कॉफ़ी पी और पेस्ट्री खाई यहाँ पे। और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस से कैब्रियो केबल से फनीकुलर, उसी ट्रेन से होते हुए फिर से स्टैंड, और अब हम स्टैंड से सीधा लूजन जाएंगे व्यूअर्स। क्योंकि स्टैंड से लूजन सिर्फ 16 मिनट्स लगते हैं ट्रेन में। तो हम पहुंचते हैं नीचे, आपसे मिलते हैं। तो ये कैसा लगा स्टेंसन ऑन का ब्लॉग? तो आज हम जल्दी फ्री हो गए, अभी हमारे ऐसा ही रहेगा कि हम जल्दी जल्दी फ्री हो रहे ताकि शाम को आराम कर सके। आज वैसे भी सुबह इंटरलेकन से निकले और बहुत ट्रेवल कराए। तो अभी देखिए टिकट चेक हो रही है, कैब्रियो केबल में जाएंगे अभी हम, बैठेंगे वहाँ एंड वी विल एंजॉय। तो हम आए थे इस केबल में ऊपर बैठ के, जहाँ हम इस बार नीचे की तरफ बैठ के जा रहे हैं क्योंकि ऊपर का आनंद हमने ले लिया है और ठंड भी है हल्की सी। ये कैसे जा रहा है, ये हमारी केबल पूरी, ये सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जाते। देखिए ऊपर लोग हैं कितने सारे। तो हम जा रहे हैं नीचे व्यूअर्स, बहुत ही शानदार रहा ये सफ़र। अब हम स्टैंड पहुंचेंगे नीचे और सीधा लूसन जाएंगे, वहाँ पे थोड़ी देर हम घूम के फिर से हमारी होटल आएंगे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, मिलते हैं आपसे कल वापस नए दिन पे, मोस्ट प्रोबेबली माउंट टिटलिस। और आप देखिए ये कितनी ऊंचाई पे हम। लोग अभी आ चुके हैं लूजन, लूजन में हमारे पीछे है ट्रेन स्टेशन। में आपको ट्रेन स्टेशन पे हम गए थे, हमने थोड़ा पानी वानी लिया और इसके सामने ये देखिए आप क्रूज है। तो हम चाहे तो हम भी इस क्रूज में जा सकते हैं क्योंकि स्विस पास वालों के लिए यह क्रूज फ्री है। तो हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हम लोगों ने कल ऑलरेडी क्रूज कर लिया है। तो अभी हम लूजन शहर के अंदर ऐसे ही वॉक कर रहे हैं मैं और आरती, और ये आरती यहाँ पर खड़ी है। तो हम आरती कह तो रही थी पर हमने बोला कि अभी हम क्रूज में जाके करें क्या अभी। तो हम थोड़ा सा ये देखिए आप यहाँ पे, ये आइकॉनिक एक ब्रिज है जो बहुत फेमस है लूजन में। और इसी ब्रिज के ऑपोजिट साइड में आपको मैं दिखाऊंगा अभी, एक है ना वुडन ब्रिज है। और सामने की तरफ जितनी भी आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं वो सब यहाँ पे होटल्स हैं अलग अलग। तो पहले हम लोग यहीं पे एक होटल करा रहे थे, वो फिर हमने वो बाद में नहीं करवाई क्योंकि हमें वो होटल फेलमिस इसलिए सही लगा था मुझे पर्सनली, क्योंकि वो उधर से मुझे स्टेंसन हॉर्न पिलाटस या टिटलिस जाने के लिए पास पड़ता। तो ये रही देखिए क्रूज, और वुडन ब्रिज भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो चलिए हम तो अभी ऐसे ही लूजन में घूमेंगे। तो आज आपका और हम डिनर भी यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं, तो हम डिनर करके फिर वापस हमारे होटल जाएंगे। अभी शाम के बज रहे हैं 7 में। तो ये लूजन का आइकॉनिक ब्रिज देखिए आप सब। अभी हम लूसन के इस आइकॉनिक वुडन ब्रिज से जा रहे हैं। आप देखिए इसके दोनों तरफ ऐसे फूल हैं, आप देखिए। और ये सामने की तरफ ये सारी होटल्स हैं और इन होटल्स के बाहर देखिए आप लोग बैठे हुए हैं अपना कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं। तो अभी हम लोग मैं और आरती 1 किलोमीटर चल के आए हैं एक रेस्टोरेंट पे, कांची इंडियन रेस्टोरेंट। तो देखिए भारत देश का हमारे झंडा लटका हुआ है और ये देखिए ऊपर कांची इंडियन रेस्टोरेंट लिखा हुआ है। तो ये इसका एंट्रेंस है। हम लोग यहाँ पे आए हैं अपना डिनर करने। तो लूसन के ट्रेन स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर है ये।
तो वॉक करते हुए हम आए, अब हम इसके अंदर जाते हैं। ओ जय माँ लक्ष्मी, जय श्री गणेश, जय माँ सरस्वती। ये तो एकदम इंडियन मसाले देखिए आप यहाँ पे। तो हम लोग जाते हैं, कुछ खाते हैं और आपको बताते हैं कैसा है यहाँ का टेस्ट। जय अयप्पा। हमने कांची, ये फैमिली इंडियन रेस्टोरेंट, यहाँ पे कुछ इंडियंस भी हैं और कुछ फॉरेनर्स भी हैं जो इंडियन फूड का एंजॉयमेंट ले रहे हैं। व्यूअर्स, आप देखिए अभी यहाँ पे कुछ फॉरेनर्स बैठे हैं, कुछ इंडियंस बैठे हैं और इसका एम्बियंस इतना अच्छा है कांची इंडियन इस रेस्टोरेंट का। हमने जो ऑर्डर किया है वो है दाल तड़का, गार्लिक नान और मेदू वड़ा, क्योंकि ये बेसिकली साउथ इंडियन है तो हम मेदू वड़ा भी एक बार टेस्ट करेंगे इनका। तो देखिए ऐसा एम्बियंसेस। तो हमारा खाना देखिए आ चुका है, मेदू वड़ा, तड़का दाल और गार्लिक नान।